अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक भाई। आपका नाम? समीउल्लाह नाम है। समीउल्लाह सर, ये कौन सी नस्ल की बकरियां रखी हैं आपने, कुछ बताएंगे इन बकरियों के बारे में? जी हाँ बिल्कुल बताएंगे, ये गुलाबी नस्ल की बकरियां हैं। गुलाबी नस्ल की बकरियां जी हाँ। सर इन बकरियों का वजन कितना होता है अमूमन? छोटे होते हैं कम वजन होता है, फिर बड़ी हो जाते हैं तो वजन बढ़ जाता है। फिर भी अंदाजन कितना वजन होता है? डेढ़ मन तक हो जाता है, दो डेढ़ मन तक वजन होता है। सर इनमें क्या खासियत है, क्यों रखी जाती हैं बकरियां? रखी जाती हैं, ये अच्छे नस्ल की बकरियां हैं और इनमें कारोबार रिस्क भी अच्छा है अच्छा और शौक़ भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है इन बकरियों को। अच्छा जी हाँ भाई। तो आपको कितना टाइम हुआ ये शौक स्टार्ट किए हुए? 10 साल हो गए हैं भाई। अच्छा माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं। तो इससे पहले कोई और काम करते थे या सिर्फ बकरियां ही पालते थे? हाँ भाई, और खेती बाड़ी का काम करते थे, बनी का काम करते थे और दुकान भी था हमारा पहले। जब अच्छा ये शौक देखा तो फिर छोड़ दिया, सारे काम को छोड़ दिया। अच्छा कोई बात सारी नहीं। चीज़ें आपने छोड़ दी हैं सिर्फ बकरियों के शौक की जी खातिर। हाँ भाई। तो आपके पास अभी अमूमन कितनी बकरियां होंगी टोटल? होंगी छोटी बड़ी होंगी, 40 तक होंगी। 40 तक बकरियां हैं। जी हाँ। अच्छा इसके बारे में आप बताएंगे, इसकी क्या मार्केट होती है इन बकरियों की, ये जो गुलाबी बकरियां हैं इनकी अच्छी बकरी की क्या मार्केट है आज के दौर में? भाई अच्छी बकरी जो छोटी बची है पैदाशी, वो 5 लाख तक भी नहीं मिलती। 5 लाख तक भी नहीं मिलती? हाँ अच्छे वाली जो होती है। अच्छी वाली। हाँ वैसे तो आम 1 लाख में मिलती है, 50 हज़ार में मिलती है। अच्छा जी हाँ भाई। अच्छा और जो बड़ी बकरियां होती हैं उनकी क्या मार्केट है? वो नस्ल के हिसाब से है, जितनी जैसे अच्छी कोई होगी। अच्छी बकरी है हाँ बड़ी अगर बकरी, तो उसके अंदाजन कुल हाँ मार्केट कितनी होगी? मार्केट होती है 20-25 लाख तक हो जाती है। बीस पच्चीस लाख तक जी हाँ होती है। भाई। अच्छा तो ये सर शौक कहाँ कहाँ तक पहुँचा और कहाँ कौन कौन से मुल्कों से लोग इसका शौक कर रहे हैं या आपसे शौक करने का बोलते हैं? भाई सारे सिंध में शौक है इन बकरियों का, अच्छा सारे सिंध हमारे पास आती हैं, मीरपुर खास से आते हैं, कराची से लोग आते हैं, अच्छा पंजाब से भी कुछ लोग आए हैं हमारे अच्छा पास। पंजाब वालों ने भी ये शौक स्टार्ट किया है। हाँ कुछ आए हैं, दो अच्छा तीन बकरियाँ वो भी लेके गए हैं हमारे से। अच्छा ये पाकिस्तान से ही आते हैं और कंट्री से भी लोग आते हैं आपके नहीं पास? नहीं पाकिस्तान से आते हैं और बाहर मुल्क से फ़ोन करते हैं, भाई अच्छा भेजो हम पैसे भेजते हैं, आप हमारे को बकरियाँ भेजो, अच्छा वो काम हम नहीं करते। अच्छा जी हाँ। और इसके अलावा आप इन बकरियों की क्या खासियत बताना चाहेंगे, जैसे गुलाबी बकरी में और क्या क्या खासियत हैं जिससे ये आपको पसंद की जाती हैं, लोग इनको पसंद करते हैं? चेहरा अच्छा हो, गोल हो, नकोट गोल हो, गली बड़ी हो। अच्छा कुछ आप बताएंगे हमें किस तरह होना हाँ चाहिए, कोई बच्चा या बकरी देख के कान बताएंगे लंबे होने चाहिए। किस तरह होगा आप बताइए थोड़ा, कोई बकरी पे एग्जांपल दीजिए। ये बिल्कुल अच्छी बकरी है, ये बकरी अच्छी है। इसमें क्या पॉइंट्स कैसे देखे जाते हैं जरा बताइए हमें। नहीं इसमें कैसे देखा, शौक कैसे देखा जाएगा आप जरा बताइए हमें थोड़ा। अभी ये है ना, इसके कान देखें आप, इसमें शौक कैसे देखा जाएगा? ये है ना आप देख सकते हैं, अच्छा इसकी गली होनी चाहिए, गली गली होनी चाहिए बड़ी। ठीक है चेहरा इसका ये जो है नकोट, ये गोल होना गोल चाहिए, होना चाहिए, कान ठीक लंबे है हों। कान लंबे होने चाहिए, हाँ सीधे हों कान, बिल्कुल कान बिल्कुल सीधे होने चाहिए। हाँ भाई। अच्छा और इसके अलावा सींग, सींग ऊपर होने चाहिए। सींग ऊपर की साइड होने चाहिए। अच्छा जैसे अमूमन इस बच्चे की क्या मार्केट होगी, ये मेल है फीमेल है? मेल है, अभी ये मांगते मांग रहे हैं, इसके ग्राहक लगे पड़े हैं, हम नहीं दे रहे। अच्छा हाँ 5 लाख में मांगी है, ये 7 लाख के भी ग्राहक लगे हैं इसके। 7 लाख रुपए लगे हैं इसके, आपने हाँ नहीं दिया है? नहीं दिया है। अच्छा शौक की बकरी है, पहले अच्छा भी हमारा उस्ताद है एक, उसने नुमाइश की, 2 मरतबा जीती है नुमाइश उसने। अच्छा यहाँ अच्छा आपके उस्ताद कौन है इन बकरियों में? उस्ताद हैं वजीर खान बुगती। वजीर खान बुगती उस्ताद जी है? हाँ भाई। अच्छा उसने हमारे शौक करवाया। अच्छा उन्होंने आपको शौक करवाया था। जी हाँ भाई। अच्छा आप बकरियां अपनी दिखाएंगे, जो आपने गुलाबी बकरियां रखी हुई हाँ हैं दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। दिखाइए, मंगवाइए जरा। और ये बच्चों को थोड़ा सा चला के दिखाइए। हाँ चलाते हैं बिल्कुल। ये बच्चों की उम्र कितनी होगी अंदाजन, जितने भी बच्चे हैं ये? कोई 2 महीने का है, कोई 1.5 महीने का है। कोई 2 महीने का है, कोई हाँ 1.5 महीने का है। हाँ अच्छा ये अभी 15 दिन की बच्ची है। ये कितने दिन की है? ये 15 दिन की है। 15 दिन की है? हाँ अच्छा 1,35,000 की हमने ली है खुद अभी। अच्छा आपने ली हाँ है। पैदाशी दी थी। अच्छा
तो अब इसकी उमूमन मार्केट कितनी होगी अंदाजन? अभी इसका तो फिलहाल कोई अंदाजा नहीं, अच्छा आगे बढ़े तो फिर पता चलेगा। अच्छा, बकरियां आपकी आ गई हैं? हाँ, बकरियां आ गई हैं। टोटल आपके पास कितनी बकरियां? अभी गिनती नहीं करते लेकिन 40 तक हैं। गिनती नहीं करते आप? नहीं, नहीं। अच्छा, हाँ छोटी बड़ी हैं, 40 तक हैं। ये रही बकरियां हमारी। इनमें आपके पास अच्छी से अच्छी बकरी कौन सी होगी, आप हमें दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, दिखा रहे हैं आपको। ये अच्छे वाले हैं, ये बकरी अच्छी है। इसमें क्या खासियत है और इसके कान कितने लंबे हैं, कुछ बताएंगे आप हमें? भाई इसके अभी 26 इंच कान है। कितने कान है? 26 इंच। 26 इंच? हाँ बिल्कुल 26 इंच। दिखाइए आप हमें, कोई मेजरमेंट करके दिखाएंगे कि ये वाकई इसके 26 इंच है? आप वो? हाँ बिल्कुल, करके दिखाते हैं। जरा वो नाप के दिखाइए हमें कान इसके। दिखाते हैं, आप बोल रहे हैं इसके 26 इंच कान है, जरा हम भी अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे इसके वाकई 26 इंच कान है। इसका कहाँ से आप वो करते हैं कान के? ठीक है, यहाँ से आप मेजरमेंट करते हैं। एक मिनट दिखाइए, एक मिनट सीधा उसको करिए। ये पूरे 26 इंच कान है इसके? बिल्कुल 26 हैं, देख सकते हैं आप व्यूअर्स, ये इनकी बकरी है। इनके इन्होंने क्लेम किया कि इसके 26 इंच कान है और ये अभी हमें मेजरमेंट करके भी दिखा रहे हैं कि वाकई इसके 26 इंच कान है। ठीक है, तो इस बकरी की अंदाजन अभी मार्केट कितनी होगी? इसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी एक अंदाजन रफ आइडिया आप बताएं। एक बच्चा डाला इसने, नर डाला, वो दे दिया, एक दोस्त है कराची में उसको दे दिया हमने, छोटा ही था, पैदाइशी 5 लाख का दे दिया था। अच्छा, पैदाइश पे ही बच्चा आपने 5 लाख का इसका सेल किया, फिर भी अमूमन एक रफ आप आइडिया बताएं इसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी इस बकरी की? कोई प्राइस नहीं इसकी। अच्छा, कोई नहीं। हाँ अच्छा, ये आपने बस ऐसे शौक में ही रखी है? रखे हैं। अच्छा, तो आप जो दोस्त और शौकीन हैं, आप उनके नाम वगैरह बताएं जो आपको साथ हैं या यहाँ पर आपके साथ और उन्होंने गुलाबी बकरियों का शौक किया? ये दोस्त है, आइए आप, हम आपको मिलाते हैं। दोस्त है हमारा, इसने भी शौकीन है। अच्छा, इन्होंने भी गुलाबी बकरियां रखी हुई हैं? यहाँ ये नूर बुक्ति साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम नूरदीन है। नूरदीन है जी। सर कौन सी नस्ल की बकरियां आपने रखी हैं? जी सर, मेरे पास गुलाबी नस्ल की। आपने भी गुलाबी नस्ल की बकरियां रखी हैं जी। तो सर आप कुछ बताएंगे या खासियत इस बकरियों के बारे में बताएंगे, क्या आपको चीज ने मुतासिर किया जो आपने गुलाबी बकरियों का शौक किया? सही, असल में ये है कि माशाल्लाह ये खूबसूरत हैं। अच्छा जी, और इनमें एक अच्छा सा शौक भी है। अच्छा, और एक टाइम पास अच्छा होता है और माशाल्लाह कारोबार भी है इनमें। अच्छा जी जी, तो आप इसके कारोबार की नियत से आपने लिए या शौकिया नियत से लिए? बस सही, शौक भी है और माशाल्लाह कोई दोस्त को शौक करवाते हैं तो कारोबार भी है सही। अच्छा जी जी, तो आप किससे मुतासिर हुए थे, आपको किसने ये शौक करवाया? सही, हमारा उस्ताद है वजीर बुक्टी, माशाल्लाह बैठे हुए हैं सामने। अच्छा, तकरीबन 2001 से उस्ताद वजीर ने यहाँ हमारे पास शौक लाया। अच्छा, तो माशाल्लाह सारे सिंध में उस्ताद के शागिर्द हैं। पूरे सिंध में? पूरे सिंध में माशाल्लाह। अच्छा, कौन कौन से एरिया से होंगे जो ज्यादा शागिर्द इनके हैं? शागिर्द सही, माशाल्लाह हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में तो माशाल्लाह शौक वजीर भाई ने ही करवाया। अच्छा, और कराची तक अपना अंदरून सिंध माशाल्लाह 2001 से उस्ताद वजीर ने हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में शौक करवाया। जी, तकरीबन सबको ही शौक करवाया? जी जी, बेशक शौक करवाया। जैसे अगर कोई नया शौकीन आता है बिल्कुल, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल, तो उनको भी वो शौक करवाते हैं? बिल्कुल नहीं करवाता है, दिल खोल के करवाता है माशाल्लाह। अच्छा जी जी, या सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी को करवाते हैं या आप ये सिंध के लोगों को करवाते हैं, बाकी और लोगों को करवाते हैं या नहीं वजीर खान? जी जी सही, बिल्कुल करवाते हैं। बिल्कुल करवाते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए, पाकिस्तान के किसी भी कोने से आए, उनको शौक करवाते हैं। जी 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 इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलें अभी आपके उस्ताद से भी हम मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ये हमारे उस्ताद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप?
सर अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआएं, सर आप बताएं। बस दुआएं, काफी आपके शागिर्दों की गोट्स वगैरह देखी तो इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? माशाल्लाह से ये मेरे शागिर्द दिल से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इनका जिस तरह का मेहनत चल रहा है जी जी, तो माशाल्लाह ये मेरे ख्याल में सबसे आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आने वाले सालों में। तो इनकी गोट्स आप क्या रेकमेंड करते हैं, किस तरह की है? साई इनमें सब तो वीवीआईपी नहीं है। अच्छा, इनमें एक दो पट्टे ऐसी हैं जी जी कि शायद किसी के पास ना हो। अच्छा जी, तो आप इनसे मुतमईन हैं कि इन्होंने शौक सही किया हुआ है? माशाल्लाह बकरियां सही रखी हुई हैं, जबरदस्त माशाल्लाह इसका शौक है। अच्छा, और हमारी भी इज्जत है। अच्छा, हमारे शागिर्द जितने आगे बढ़ेंगे जी जी तो हमें खुशी होगी। अच्छा जी, आप कोई और मैसेज देना चाहेंगे अपने शागिर्दों के बारे में या जो जिनको आपने शौक कराया उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब शौकीनों को ये मैसेज देता हूँ कि सब शौक करें जी जी और अच्छा मेहनत करें। अच्छा, हाँ, सबको अल्लाह ताला खुश रखे। इस बकरियों में अल्हम्दुलिल्लाह फायदा भी है। अच्छा, अच्छा खासा रोजी है इनमें। अच्छा जी जी, अच्छा चले, उम्मीद करते हैं लोगों को ये बकरियाँ पसंद आएंगी और दुआ करेंगे कि आपकी बकरियां और बढ़ें और आप और कामयाब हो और जो भी नए शौकीन हैं उनको शौक में एंटर होना हो तो आप उनको सही प्राइसेस में इस तरह शौक इंट्रोड्यूस करवाएं और उनको ऐसा शौक करवाएं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके ये गुलाबी ब्रीड, बिल्कुल ना कि ये बिल्कुल ही नायाब हो जाए और कोई किसी बंदे की पहुँच से दूर हो जाए, कोई खरीद ना सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उम्मीद करेंगे कि आप सब दोस्तों को शौक कराएंगे, सबको दिल खोल के शौक कराएंगे। अल्लाह ताला सबके शौक को सलामत रखे। सब शौकीनों को सही मेरे तरफ से सलाम, अल्लाह ताला सबको आबाद रखे। आमीन। और इन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा कर लें जो हमें इंडिया, इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने हमें बुलाया जी जी, हाँ, खाना खिलाया, इन्होंने हमारी दावत की। अच्छा जी, और जो हमारे व्यूअर्स का भी आप शुक्रिया अदा कर लें जो इंडिया से देख रहे हैं, यूएसए से देख रहे हैं, लंदन से देख रहे हैं, उनका मैं बांग्लादेश से और काफी कंट्रीज से देख रहे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड देख रहे हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जिनको इन बकरियों का शौक है इंशाल्लाह ताला ये रास्ते बॉर्डर वगैरह खुल जाएंगे जी जी, हम उन तक भी इस शौक को पहुँचाएंगे आप इंशाल्लाह। चले, उम्मीद करते हैं हमारे जो दोस्त इंडिया से, बांग्लादेश से, रशिया से, यूएसए से, लंदन से या और फॉरेन कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से देख रहे हैं उनको भी आप शौक कराएं, और जो हमारे पाकिस्तान के दोस्त हैं और शौकीन हैं तो उनको भी आप शौक कराएंगे और अच्छी प्राइस में शौक कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वजीर बुक्ती, बड़ी मेहरबानी।